बस्ती जिले का नाम बदलकर एक बार फिर से वशिष्ठ नगर या वशिष्ठी किए जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल के द्वारा भेजा गया है। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने प्रस्ताव में यह भी कहा है कि जो नाम बदले जाने के बाद खर्च आता है जिला प्रशासन के ऊपर, वो खर्च जो जिले के संबंधित विभाग हैं खुद उठाएंगे और सरकार को इस नाम बदले जाने को लेकर अतिरिक्त खर्च नहीं देना पड़ेगा। वशिष्ठ नगर किए जाने का जो प्रस्ताव है फिलहाल सरकार को भेज दिया गया है और सरकार इस पर फैसला लेगी, राजस्व परिषद इस पर फैसला लेगा कि बस्ती जिले का नाम बदला जाए या नहीं। गौरतलब है कि 1865 में बस्ती जिला गोरखपुर से अलग हुआ था और तब से ये जिला है और 1997 में बस्ती को बस्ती मंडल का पहचान मिली थी। बस्ती जिले का अपना एक पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का बस्ती जिले में आश्रम था, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम वशिष्ठी नगर था। लेकिन धीरे धीरे जब ये जिला बना, गोरखपुर जनपद से अलग हुआ, तो फिर इसका नाम बस्ती रखा गया। चूंकि ये भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है, इसलिए अब काफी सालों से इसकी मांग भी उठ रही है कि बस्ती को पहचान मिले और जो असली नाम है बस्ती का वो वशिष्ठ नगर किया जाए। फिलहाल कई बार बस्ती जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार में भेजा जा चुका है। अब इस पे फैसला सरकार लेगी कि क्या इस बार बस्ती जिले का नाम बदलकर सरकार वशिष्ठ नगर वशिष्ठी करती है या नहीं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।